कैल्शियम, पोटेशियम। सही। ये देख मेरी साड़ी। हाँ? यहाँ कोने में क्यों बैठी है? पढ़ाई कर रही हूँ। वो तो दिख रहा है ना, पर गुड मॉर्निंग। गुड तो बहुत है आज की मॉर्निंग। आज घर में इतनी अच्छी पूजा जो है। पर मुझे ये बताना, नीचे ऐसे बिस्तर क्यों बिछाया हुआ है? क्या हुआ? वो मैं अच्छा वो छोड़, देख मेरी साड़ी प्रिटी है ना। आज ना तूने मुझे तैयार होने में हेल्प करनी है। मुझे ना पूजा में सबसे सुंदर दिखना है। ये देख दो इयररिंग्स लाई हूँ। ये बता इस साड़ी के साथ कौन से इयररिंग्स मैच करेंगे? ये वाले या फिर ये वाले? दोनों ही अच्छे हैं। क्या दोनों ही अच्छे हैं? मतलब मैं एक कान में ये पहनूंगी हाँ, और दूसरे कान में ये लटका लूंगी, क्या सही? नहीं बुआ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बोल रही थी कि आप खुद इतनी सुंदर हैं कि आप कोई से भी इयररिंग पहनेंगी ना, सुंदर ही लगेंगी। हाँ वो तो मैं हुई। हाँ तो कोई भी पहन लीजिए, बस मुझे अभी पढ़ने दीजिए। कुछ दिनों में ना मेरे टेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, प्लीज। What are you saying, Sai? Don't tell me कि तू आज भी कॉलेज जाने वाली है। ये क्या बात हुई Sai? अगर आज इस घर में पूजा रखी गई है तो वो सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू सम्राट को वापस नहीं लाती तो सब घर वाले इतना खुश कैसे होते? इस घर में इतना ग्रैंड फंक्शन कैसे होता, बता? देखिए बुआ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि घर वालों को खुशी मनाने का मौका मिला, लेकिन प्लीज आप ना मुझे सबसे दूर रखिए, मुझे अकेले रहने दीजिए, मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मतलब तूने कह दिया और मैंने सुन लिया, पर डोंट एक्सपेक्ट कि ना मैं मान भी जाऊंगी। चल तू भी मुझे अपनी साड़ी दिखाना, मैं भी तो देखूं पत्र लेखा ने तुझे कैसी साड़ी गिफ्ट की है। और हाँ ज्वेलरी तो मैं ही डिसाइड करूंगी। आजा तैयार होते हैं। मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, पूजा के लिए नहीं कॉलेज के लिए। कम ऑन सही, आज घर में ग्रह शांति की और सत्यनारायण जी की पूजा है, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तुझे भी इस पूजा का हिस्सा बनना है। हुँ? कॉलेज नहीं जाएगी। मैं किसी झूठे जश्न का हिस्सा नहीं बनना चाहती बुआ। तू क्या कह रही है सही? कुछ नहीं, सब लोग कहते रहते हैं ना कि मैं पागल हूँ, जंगली हूँ, इमेच्योर हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। तो बस आप ना मुझ पर और मेरी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। आप प्लीज जाके पूजा के लिए तैयार होइए और मुझे ना पढ़ाई, प्लीज पढ़ाई करने दीजिए। अरे वीरू, ये तकिया लेके कैसे? तू बाहर सोया था क्या? इस कमरे में इतनी शांति ही कहाँ है जो कोई चैन से सो सके यहाँ पर। हाँ हाँ, मैंने तो इनके बिस्तर में कील गाड़ी हुई है ना, जो लेटते ही इन्हें चुभने लगती है। बुआ इसे कह दीजिए कि मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ। बुआ मैं भी ना आपसे बात कर रही हूँ, तो ये कोई गलत फहमी ना पाले। वीरू गलत फहमी की तो चलती फिरती दुकान है, ये खुद है, बोल दीजिए। सही बुआ, इनसे कह दो कि ये अपनी हद में रहे। अच्छा अगर हद में नहीं रहा तो क्या करेंगी, ये भी जरा पूछ लीजिए। पूछने की कोई जरूरत नहीं है बुआ, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर सही जोशी का ऊपरी माला हिला ना तो वो क्या कर सकती है। ऊपर का माला हिले या ना हिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसे एक छोटी सी बात समझा दीजिए कि ये इस फैमिली की, इस परिवार की सदस्य है और आज इसे पूजा में शामिल होना है। अगर इसे ऐसा लगता है कि आज ये कॉलेज जाएगी तो ये गलत फहमी है उसकी, साफ साफ बता दीजिए। सही वीरू कह रहा है कि बुआ आप इनसे कह दीजिए कि मैं इनके सामने ही खड़ी हूँ, तो इनको जो भी बात करनी है सीधे मुझसे करें। और हाँ ये भी बता दीजिए कि कॉलेज तो मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वीरू सही कह रही है कि क्या है ना कि मैं ऐसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा। बुआ क्या ये मुझे धमकी दे रहे, कॉलेज न जाने के लिए मजबूर करेंगे? ये तुम क्या दोनों बच्चों की तरह लग गए हो ना। इसे जो समझना है समझ सकती है, कह दीजिए। बस बस करो ना तुम दोनों, कब से मेरे साथ ही टेबल टेनिस खेले जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अरे तुम दोनों को आपस में बात करनी है ना, तो सीधा करो ना, डायरेक्ट एक दूसरे से, मुझे बीच में क्यों फंसा रहे हो। वीरू इधर देख और तू इधर देख, अब दोनों ना आपस में एक दूसरे से बात करो, मुझे बख्श दो प्लीज। देखो मैंने तुम्हें कभी पहले कॉलेज ना जाने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन अगर आज मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा।
तुम पर अपने सारे हक का इस्तेमाल करूंगा। किस हक की बात कर रहे हैं? पति होने का, जो शायद तुम भूल गई हो या पता नहीं जो भी मानती हो, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा अभी भी पति। वाओ, कितने प्यार से बात कर रहे हो ना एक दूसरे से दोनों, कि सांप और नेवले को भी शर्म आ जाएगी तुमको देख के। अरे कैसे बात कर रहे हो एक दूसरे से, जानी दुश्मन हो क्या? अगर जानी दुश्मन लग रहे हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन आज मैं सही की मनमानी नहीं चलने दूंगा। क्या करेंगे आप? नहीं, कर क्या लेंगे आप? पहले की तरह घर से निकाल देंगे। घर से निकालेंगे ना, ठीक है, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। कर देती हूँ आसान आपका काम। ये क्या कर रही हो तुम? जो आप देख रहे हो। मेरा हाथ छोड़िए विराज सर, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छोड़िए, मेरे को दर्द हो रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? और आप चाहते क्या है विराज सर? आप मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं ना? तो जब मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग, जो कुछ भी उठपटांग सोचते रहता है। और नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। इनफैक्ट तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा। अगर तुम मुझसे ऐसी बहस करती रही ना, तो मैं तुम्हें यहीं पर बंद कर दूंगा इस कमरे में। वीरू, तू सई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता हूँ बुआ, और मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से बहुत नरमी से पेश आ रहा हूं इसके साथ, इसलिए इसने ये रूप मेरा कभी देखा नहीं। अब मैं तुम पर पति होने के अपने सारे हक इस्तेमाल करूंगा, और तुम्हें मेरी हर कही बात सुननी होगी और अहमियत देनी होगी। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं विराज सर? क्योंकि तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है सही, क्योंकि प्यार से कही बात तुम्हें समझ कहां आती। ओफो, फॉर गॉड सेक, शांत हो जाओ तुम दोनों। और वीरू तू रिलैक्स करना, मैं बात करती हूँ ना। सही, तू कहीं नहीं जाएगी ना, रुकेगी ना यहीं पर। सही, मैं भी तो तेरी हर बात मानती हूँ ना, तो आज तू एक मेरी बात मान लेना। बोल दे वीरू को कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हाँ नहीं बुआ, आपको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। विराट सर के गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? अभी भी इसके मन में कोई और ही कहानी चल रही है। इसी की वजह से ये जो सोचती है ना, इसी की वजह से मुसीबत में पड़ती है। इसकी जिद इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम हमेशा खुद को पाखी से कंपेयर करती हो ना, अब समझ आया सब क्यों उसे पसंद करते और तुम्हें नहीं? तुम्हारे जिद्दी पने की वजह से पाखी इस घर के नियम कायदे ट्रेडिशंस सब कुछ मानती है, सबकी बात सुनती है, लेकिन तुम सिर्फ अपनी सुनती हो, सिर्फ अपनी मानती हो, सिर्फ अपनी चलाती हो। सही, तुम्हें इस घर में कई मौके दिए गए, हर चीज में छूट दी गई है। इस परिवार ने तुम्हें प्यार दिया है, मान दिया है, तो क्या उनके प्रति इतना भी फर्ज नहीं बनता तुम्हारा? परिवार को मान देने के लिए क्या हमें ऐसी पूजा का हिस्सा बनूं जिसके पीछे की नीयत ही ठीक नहीं है? ये क्या कह रही है तू सई? सारे परिवार वालों की पूजा के लिए बहुत अच्छी नीयत है। सब परिवार वाले चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सम्राट और पत्रलेखा को एक जोड़े के रूप में आशीर्वाद दें। और पाखी दीदी वो क्या चाहती है? पत्रलेखा क्या चाहती है मतलब? देखो, 100 बात की एक बात है, मैं तुम्हें कॉलेज जाने नहीं देने वाला हूँ, बात खत्म। अच्छा, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कॉलेज जाने से कैसे रोकते हैं।